हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप लोग देख रहे हैं आज का जोशी ब्लॉग। तो दोस्तों, सुबह का समय है और मैं घर से निकल गया हूं, आज जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज फिर चंदेश्वर जाते हैं और चंदेश्वर में जो काम चल रहा है बड़े जोरों जोर शोरों से चल रहा है, तो आज यहां कुछ नया परिवर्तन दिखा मेरे को। नमो नारायण महाराज। तो महाराज के भी दर्शन हो गए हैं। अब देखें यहाँ चल गया रहा नया कार्यभार। तो अभी जोरों शोरों में चल रहा महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत सही हो रहा। मिस्त्री सही चल रहा, काम सही होना चाहिए एकदम। और वो कहाँ है नेताजी? नेताजी मीटिंग में गए हैं। ठीक है महाराज। तो यहाँ पर बन गया है किचन और इसमें लेंटर भी पड़ गया है, मिस्त्री लोग लगे हुए हैं। बहुत सुंदर हो रहा महाराज, आनंददायक। ये इसका ध्यान जरूर देना महाराज, यहाँ पर ना इसको भरवा देना, लगे हाथ ये भी होना बहुत जरूरी है महाराज। तो दोस्तों, एक रास्ता ये बनाया है सीधे कोसी नदी में जाने के लिए, और यहाँ से जाएंगे फिर जल लेके आएंगे, शिव जी को नहलाएंगे। और यहाँ पर ये बनेंगे आने वाले समय में कुछ कक्ष। मोंटी गुरु की जय हो और आनंद हो रहा प्रभु, जय हो। ये बहुत सुंदर, और सामने एक बन गया है कमरा। तो ये कमरा क्या बना है सर? अच्छा, स्टोर रूम बना है। बहुत सुंदर बना है महाराज। तो चंदेश्वर का पूरा रंग ही निखर गया है। इसमें फर्श आ जाएगा और आने वाले समय में इसमें बन जाएंगे कमरे। कमरे या हॉल? देखो इसमें ये दो तीन कमरे और एक हॉल। हाँ, कमरे तो बन रहे, एक दो तीन चार कमरे तो निकल रहे हैं इसमें अभी। इसमें तीन कमरे निकालेंगे और एक हॉल हो जाएगा। हॉल हो जाएगा। और ये है स्वेज नहर, कही जा सकती है धौलाल खेत के लिए। बहुत सही हो गया, आनंद हो गया। आप देखें इस कमरे को भी। अच्छा, ये वीआईपी रूम रहेगा। देखते हैं इसमें कौन कौन से वीआईपी लोग आते हैं। वाह, आनंद आ गया। बहुत सुंदर कमरा बना हुआ है। ये अगर यहाँ पर ब्यास आदि लोग आएंगे तो उनके लिए एकांत का माहौल, शांति प्रिय। तो दोस्तों देखो, चंदेश्वर का विकास हो गया है और चल रहा है काम धंधा। और मोंटी गुरु इसको देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी निगरानी नहीं की है आजकल। ठेकेदार लोग तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन नजर इनकी रह रही। और यहाँ पर रहेगा अटैच बाथरूम। अच्छा, यहाँ पर बाथरूम इसी कमरे का स्पेशल। बहुत सुंदर हो रहा प्रभु ये। और एक रास्ता ये हो गया कोसी नदी में जाने के लिए। यहाँ पर गेट आ जाएगा। यहाँ पर गेट आ गया। हाँ, हाँ, एक कोसी में जाने के लिए। देखो कितना सुंदर रास्ता बना है। एक यहाँ पे बनाते हैं कोसी की नदी का मंदिर। अच्छा, एक यहाँ पर कोसी की नदी का मंदिर बनेगा। बहुत सुंदर हो रहा प्रभु, बहुत आनंद आ गया। तो दोस्तों आइए चंदेश्वर में, आने वाले समय में चहल पहल रहेगी। यहाँ कोसी नदी के किनारे पर आप आइए, संगम में स्नान कीजिए। कोसी नदी का उद्गम है कौसानी से। तो दोस्तों अभी हम इस कमरे में जा रहे हैं, यहाँ स्टोर रूम बना रखा है और यहाँ सीमेंट आदि है। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर बना दिए गए हैं, स्लिप डाल दिए गए हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ काम चल रहा है चंदेश्वर मंदिर में। तो दोस्तों एक यहाँ पर जो यात्री प्रतीक्षालय है, जो ग्राम पंचायत माला विकासखंड ताकुला के द्वारा रखा गया, हमारे प्रधान के द्वारा, यहाँ पर एक जो भी यात्री लोग आएंगे उनके लिए विश्राम स्थल की भी व्यवस्था की जा रही है। और बहुत ही सुंदर काम चल रहा है यहाँ। तो दोस्तों अभी बच्चे स्कूल से घर आ गए हैं, और घर आते ही देखो कितना लड़री में लड़की। ओ, ये हमारी बेटी आ गई, बड़ी बिटिया भी आ गई, छोटी आ गई। ओ बत्तू बीचे बाबू, बैग नहीं ला पाएंगे बेटा आज, मैं भूल गया। तो ये देखो कितनी नाराज होगी। टॉफी भी नहीं, टॉफी तो लाया ही नहीं। तो बेटा ऐसा हुआ ना, आज क्या हुआ पता है आपको? मैं गया था मार्केट। कहाँ गया था? अच्छा, तो, मार्केट जाके वालों को नहीं रखते। तो बच्चे हुए नाराज, क्यों? क्या फेंकोगे बेटा? बेटा नहीं नहीं बेटा, फूट जाएगा, गंदी बात। यहाँ पर मेरी बिटिया है, उसको फेंक बेटा, ये वो है पंप है, टूट जाएगा। फिर नहीं लाऊंगा, बैग नहीं लाऊंगा। उठा ले, उठाओ उसे, खुशी के लिए लाऊंगा बैग। बेटा किसके लिए लाना है बताओ? सब सबके लिए लाऊंगा मैं बैग, लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। और ये बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे लड्डू पे। ओ निधि को बहुत गुस्सा आ रहा है। खुशी बेटा नाराज क्यों है? ले ले बैग लाया हूँ, बैग लाया हूँ, लाया हूँ, लाया हूँ। तो
पहले प्यार से कहो, पापा जी बोलो पहले। पापा जी। नहीं अच्छी तरह कैसे कहते हैं पापा जी? पापा जी। तो आपके लिए नहीं लाया यार बैग में, आपके लिए कल लाऊंगा। सुन आज जो देख देख इधर बत्तू, इधर जल्दी बत्तू, बत्तू को बुला पहले, बत्तू को बुला पहले, तो बत्तू को बुलाओ पहले तो। तो यार बेटा बत्तू का वाला बैग मिल नहीं पाया मेरे को, तो मेरे लिए तो नहीं होगी। बुला बत्तू, बुला के ला पहले एक बार। बत्तू का टेलर बिना है। बाल गुस्सा हो। इधर बुला, बुलाओ इधर जल्दी बुलाओ। नहीं इधर बुला उसको, उसके लिए ला, 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 ला। उसके लिए भी आने वाला है बैग, उसको बुला तो दे जल्दी जल्दी बुला जल्दी। ये बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। तो अभी वर्तिका के लिए बैग भी आएगा। अच्छा बत्तू किधर है मेरी बिटिया? आगे आपका बैग आ रहा, आपका बैग कहाँ है बताऊँ? इधर आओ जल्दी आओ, पहले कक्का के पास आओ जल्दी जल्दी आओ। रुक जा एक मिनट बत्तू, क्या हुआ बताऊँ? हाँ बोलो, आपका बैग आ रहा। हाँ बोलो, पहले पहले बोलो बेटा, आपका बैग को क्या हुआ बताया? जो आपका बैग था ना वो वाली गाड़ी आ जाए नहीं, लेकिन कल कल आ जाएगी, कल मैं लेके आऊंगा उसको। ठीक बेटा आएगी, इधर इधर इधर। तो मम्मी आ गई, मम्मी से पूछो कहाँ है बैग। तो हमारी बिटिया बड़े हल्ला हल्ला गुल्ला बहुत करते, और ये बैग निकाल ली इसकी मम्मी, और बिटिया डांस करने लग गई। तो खुशी तू भी जा, देख ले बैग कैसे हैं, जल्दी देखो। बत्तू भूल जाती हूँ यार, कल आ जाएगा खुद ही हूँ। सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी क्वालिटी का लाया हूँ, एक कलर। ड्रॉइंग वाले गंदे होते हैं बेटा, ये अच्छा सबसे महंगा वाला बैग लाया हूँ। तो ये तो मंदिर का है, देखो हमारी बिटिया के लिए नया वो करी। अरे बेटा ड्रॉइंग नहीं, सबसे अच्छा ही देख, कितना अच्छा क्वालिटी है। हाँ ठीक है, बुक बाद पहले अपना बैग देखो। बेटा बेटा आपके लिए कौन से कलर का लाना है? लाल वाला ही लाना है। इधर मैं कल आएगा। अरे डिजाइन वाले नहीं थे तो बताओ, डॉल वाला कैसा होता है? और तेरे को कैसा चाहिए, जिसमें कुछ वो बना हुआ कार्टून? हाउस वाला। कैसा हाउस वाला, जैसा तेरा पुराना बैग है? तो बच्चों के लिए बैग लाया तो उसमें भी परेशानी, बड़ी समस्या है इन बच्चों के साथ, क्या। तो दोस्तों अभी दिन का समय है और हमारा बासु आ रहा है स्कूल से और हल्ला गुल्ला करते हुए आ रहा है, क्योंकि सांप का डर रहता है। तो कोई सांप नहीं है बाबू, आ जाओ। जितना हल्ला कर रहा है इतने में तो सांप होगा, वो भी बाहर आ जाएगा। तो बिटिया को पसंद आ गया बैग। बेटा कैसा है ये चम्मच? खीर रखी थी खराब हो गया उस दिन से, इसी में। तो मेरी बिटिया को ना बैग पसंद, बाबू बैग पसंद आ गया आपको? आ गया तो भी आ गया मुझे। क्या आया है? क्या आइडिया है बाबू? बाबू क्या क्या आया? खुशी खुशी खुश होगी देख बिटिया हमारी। तो आप खुश है? पहले बताओ खुश हो? पापा मैं खुश हूँ बोल पहले एक बार। ठीक है, तो बहुत देर रोई है और उसके बाद बड़े प्रसन्न क्यों नहीं हुए बाबू? गंदा लगा, अब अच्छा लगने लग गया, अब आइडिया आया। तो बहुत देर बाद बिटिया को लगा कि ये बैग बहुत अच्छा है, तो तब ये थोड़ा सा प्रसन्न हुई। तो बिटिया खुश होगी तो हम भी खुश हो गए। तो मतलब मैं समझ गई। और ये बासु आ गए, बासु इधर आओ, इधर मैच चल रहा, मैच को देखने दो। देख बेटा बड़े मुश्किल से प्रसन्न हुए यार। तो सामने बासु ले जा रहा है थैला चक्की में। बासु क्या लेके जा रहे हैं? धान लेके जा रहा है वो कूटने के लिए, तो बहुत काम करता है हमारा बासु। और मैं आया हूँ गाय बच्चों को लेके यहाँ पर चराने के लिए, तो कुछ देर इनको चराया जाए और उसके बाद फिर घर जाके कुछ ना कुछ काम करेंगे अभी। तो दोस्तों अभी लगा रहा हूँ अपने खेत में थोड़ी सी लाई, तो आपको दिखाते हैं कि लाई इस ओर लगा दी है कुछ लाई मैंने, अभी और लाई लगा रहा हूँ। अभी 5-6 पौधे और लगाने हैं, उसके बाद इनमें सिंचाई करता हूँ और समय मिलता है तो एक पीछे वाले खेत की भी थोड़ी निराई गुड़ाई करूँगा अभी। तो दोस्तों सामने खेत में लगा दिए हैं पौध और इनकी कर दी है सिंचाई भी मैंने। तो सामने हमारी बत्तू बैठी है। बत्तू ओ वर्तिका इधर आ बाबू। तो वर्तिका आज थोड़ी नाराज है, किसका नंबर बताना है बाबू?
चीज चीज करके परेशान कर दिया वर्तिका ने, तो वर्तिका इधर बुला के लाओ इसे। तो दोस्तों आज वर्तिका मान गई आखिरकार, क्योंकि जो बच्चों के लिए बैग लाया था तो वो भी जिद कर रही थी मेरे लिए भी लाना था, तो मैंने कहा है कि कल बैग लाएंगे आपके लिए, तो मान गई है। तो अब कल लाएंगे उसके लिए बैग, और अभी संध्या का समय हो गया है। संध्या के समय हमारे हिमांशु के दर्शन हो गए बड़े मुश्किल से, बड़ी बड़ी मिन्नतें की कि आइए आपका स्वागत है, तो इन्होंने मेरे को डांटा नहीं आ रहा हूँ, क्या मतलब होता है? कब 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 बुलाया तुमने बता? एक डेढ़ घंटा पहले से आवाज दे रहा था मैं, लेकिन ये समझते नहीं है। बज रहा है 5:30 बजे में वहाँ से आया, एक डेढ़ घंटे पहले। तो जो भी है, अभी ऐसा ही होता है। ये आज हमारी घास भी कट गई, ये देखो आप क्या देखो कितनी खुशी हो रही है। तो दोस्तों अभी संध्या का समय हो गया है और हिमांशु अपने घर की ओर जा रहे हैं, और हमारे बच्चे हो गए नाराज, क्या कारण हुआ? तो ताई ने डांट दिया है, डराती लेके कहा जा रही है, लग रहा किसने कुआ थोड़ी सी। तो क्या हो गया फिर ऐसा? अरे वो बता रही होगी यार इशारा करने, बहुत प्यारी बिटिया है हमारी। तो दोस्तों भाभी लोग आगे हैं गाय का दूध लगाने के लिए, और हमारी एक गौ माता का चरण बांधा जा रहा है यहाँ पर। तो अब ओ गाय की आंख चमक रही बड़ी जोर की। तो दोस्तों अभी वर्तिका बांट रही है अपने दीदी लोगों को चिप्स, तो मेरे लिए भी है बाबू, है बताओ इधर देख के बताओ पहले है। और आप खुश हैं आज? दे रही है बाबू, इतना दे रही हूं। ओ इतने बस उसमें भी वो खुश नहीं हो पा रहे। और बासु को मिला नहीं मिला? बासु चिप्स कितने मिले? सबसे ज्यादा इसी ने खाया है बेटा, सबसे ज्यादा किसने खाया? दद्दा ने खाया ना, तब तो दीदी को भी दे दिया है, बहुत प्यारी बिटिया है। क्या कहा था आपसे? बैग लाऊंगा, तो बैग लाया हूँ बाबू, बैग। तो कल आप नाराज हो गए थे, अब सबके बैग पहले क्या खा क्या रही तू? तो सबके बैग दिखाएंगे एक साथ, ठीक है? तो कल की वाली वीडियो में ही आज इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है बाबू? बाबू तो बिटिया नाराज होगी मेरी, किसने मारा तू? ये निधि का, ये दीदी का, और ऐसा ही बैग में आपके लिए भी ला गया हूँ एक, ये लो बेटा। तो बत्तू खुश हो गया? उसका बैग को रहने दे यार। तो कैसा लगा तेरे को अपना अपना बैग देख के? अपना बैग देखो, दीदी का रहने दे वहां पर, अपना बैग पकड़ो, कैसा है जल्दी बता। तो दोस्तों दिन में खाना खाया तो बच्चे हो गए थे नाराज, क्योंकि बिटिया का बैग जो था वो हल्का फट उधड़ा हुआ था, मतलब मोहि से फटा हुआ, तो उसको बदलने जाना पड़ा सोमेश्वर मार्केट। फिर बैग लेके आया तो यहाँ पर बिटिया इंतजार कर रही, देखो दौड़ के आ गई, अपना बैग ले लिया इसने, इसके अंदर रखा है। मैंने बैग बैग देखो पहले कैसा है, अभी खुश है? बिना चप्पल के आई है, बिना चप्पल के आई है, ये देखो बिना चप्पल पहने दौड़ के आ रही। तो मैंने मार्केट में तो अपनी वीडियो बनाई नहीं, तो बच्चे खुश हो गए तो सभी खुश हो गए, मैं भी खुश।